जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे फ्रेंड रशियन लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो है कपड़े धोने से रिलेटेड। और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कपड़ों का इम्पोर्ट भी रशिया में बंद सा हो गया। रशियन शॉपिंग मॉल्स, छोटी दुकानें और कई सारे स्टोर्स बंद पड़े, जो कि सारा का सारा माल ना होने की वजह से हो गया है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल का बिजनेस लगभग रशिया में ठप ही हो गया है। और रशियन लोग नए कपड़े खरीदने के बजाय पुराने कपड़ों का इस्तेमाल लंबे समय तक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में रशिया भारत और चाइना जैसे कुछ ही देशों के ऊपर सप्लाई के लिए निर्भर है। भारतीय वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट पाउडर और मशीन जो कि सिलाई के काम में आती है, उसकी डिमांड रशिया में काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस समय रशिया में कपड़े सिलने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रतिबंध लगने से पहले भी इस तरह की मशीनरी को रशिया में इम्पोर्ट कर असेंबल ही किया जाता था। लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से जापान, कोरिया और यूरोपीय देशों द्वारा छोड़ा गया मार्केट रशिया अब भारतीय मैन्युफैक्चरर को बुलाकर भरना चाहता है। इनटेक, सैमसंग, गोदरेज जैसी कई बड़ी मशीन निर्माता कंपनियों को रशिया की तरफ से ट्रेड इंक्वायरीज काफी ज्यादा तेजी से मिलने लगी है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अकेला चाइना रशियन की इतनी बड़ी डिमांड को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। और रशिया में वॉशिंग मशीन का मार्केट केवल 0.8 बिलियन डॉलर का पर ईयर का है, वहीं भारत की इस मार्केट की वैल्यू 8.5 बिलियन डॉलर पर ईयर की है। हाल ही के दिनों में रशिया में इन डिमांडों में बढ़ोतरी है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रशिया में कार्यरत सभी कंपनियां जापान और कोरिया की भारत आ चुकी है। और भारत में मैन्युफैक्चर करके ये भारत के जरिए रशिया में अपना माल बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहती है। वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। और भारत के खरीदारों में इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, ये बात सच है, युद्ध की वजह से भारत ने रशिया से तेल का इम्पोर्ट कई गुना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस खड़ा हो गया है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये युद्ध भारत के लिए नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आया है। और यही कारण है कि दुनिया भर की एक बड़ी सप्लाई चेन भारत की ओर शिफ्ट हुई है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर कम्प्लीट किया, और इसमें रशिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। डिस्काउंटेड तेल के बदले में रशिया ने भारतीय रॉ मटेरियलों का एक्सपोर्ट रशिया को किया गया। दोस्तों, वर्तमान समय में सी रूट के जरिए घर सामान में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से रशिया को बड़े पैमाने में किया जा रहा है, और आने वाले समय में भी भारतीय गुड्स का रशिया बहुत बड़ा इंपोर्टर बना रहेगा। बाकी आप सभी की इस खबर के ऊपर क्या राय, कमेंट्स में अपने अवेलेबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।